12वीं कक्षा के प्यारे छात्रों, मैं विनोद कुमार सिंह एजुकेशन ब्रिज की ओर से आपके लिए रेनबो पार्ट 2 लेके आ रहा हूँ। हम लोग आज के क्लास में प्रोज पार्ट का पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़ेंगे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। भारत की सभ्यता संस्कृति कैसी है, कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में महात्मा गांधी ने इसमें अपने विचार रखे हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी के बारे में कुछ जानकारियाँ हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। प्यार से बापू या राष्ट्रपिता के नाम से प्रसिद्ध मोहनदास करमचंद गांधी एक राजनीतिज्ञ से ज़्यादा, एक राजनेता से ज़्यादा एक आध्यात्मिक नेता थे। राजनेता कम, आध्यात्मिक नेता अधिक थे। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। उन्होंने सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा का प्रयोग भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रमुख हथियार के रूप में किया था। गांधी जी ने प्रमुख हथियार के रूप में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया था एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और भारत को आज़ादी दिलाने में मदद की थी। फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 ईस्वी से लेकर के 1948 ईस्वी तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। उन्होंने भारतीय राजनीति पर राज किया, अर्थात उनकी पूरी पकड़ थी भारतीय राजनीति पर 1915 ईस्वी से लेकर के 1948 ईस्वी तक। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। वे एक हत्यारे के हाथों 30 जनवरी 1948 ईस्वी को मृत्यु को प्राप्त हुए। एक हत्यारे ने, सभी लोग नाम जानते हैं उसका, नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मार दी थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, उनकी आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोड फॉर यंग इंडिया, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और असंख्य लेख जो उन्होंने यंग इंडिया के लिए लिखे थे। यंग इंडिया एक जर्नल है, पत्रिका, उसके लिए वे असंख्य लेख लिखे थे। तो ये लेख रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और यंग इंडिया के लिए जो उन्होंने असंख्य लेख लिखे थे, वे रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर। ये लेख उन्हें न केवल मूल विचारक ही प्रकट नहीं करते हैं बट ऑल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश, बल्कि एक शुद्ध और मुहावरेदार अंग्रेजी के बड़े महारथी के रूप में भी प्रकट करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो कुछ भी उन्होंने यंग इंडिया के लिए लिखा था, जो जो विभिन्न अवसरों पर उन्होंने भाषण दिए थे, वे उन्हें एक अंग्रेजी का बड़ा ज्ञाता मानते हैं। चूंकि ये लाइन थोड़ी सी लंबी है, एक बार फिर से इसको देख लीजिए। हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, उनकी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, और असंख्य लेख जो उन्होंने यंग इंडिया के लिए लिखे थे, एंड द स्पीचेज दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, और वे भाषण जो उन्होंने विभिन्न अवसरों पर दिया था, रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, उन्हें न केवल एक मूल विचारक के रूप में ही नहीं बट ऑल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश, बल्कि एक शुद्ध मुहावरेदार अंग्रेजी के बड़े महारथी के रूप में भी प्रकट करते हैं।
इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, नीचे दिए गए सारांश में उदाहरण में जिसका कि नाम है भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इसमें गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी भारतीय सभ्यता की मजबूत बुनियाद, मजबूत फाउंडेशन, नींव के बारे में बात करते हैं, विच हैज सक्सेसफुली विदस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो सफलतापूर्वक बीते हुए समय के साथ बना हुआ है, खड़ा है, उसका सामना कर रहा है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी, पश्चिमी सभ्यता जिसमें भौतिकत्व को विशेष अधिकार देने की प्रवृत्ति है, पश्चिमी सभ्यता में भौतिकत्व यानी लौकिक चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, वो चीज़ें यानी भौतिकत्व का जो विशेष अधिकार देने की प्रवृत्ति पश्चिमी सभ्यता में है, वो कैनॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, वह भारतीय सभ्यता से मेल नहीं खा सकती है जो कि नैतिकता को उभारती है। इसके बाद बॉक्स में कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका हमें मौखिक रूप से उत्तर देना है। व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, आप गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं, कुछ पंक्तियां बता देंगे। गांधी जी वाज ए ग्रेट नेशनल लीडर ऑफ इंडिया, ही वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात, ही बिलीव्ड इन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, इस प्रकार की बातें जो आप जानते हैं वो लिख सकते हैं। व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार, बिहार में किसानों के लिए गांधी जी ने क्या किया था। सभी लोग जानते हैं कि बिहार में किसानों के लिए गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था इंडिगो प्लांटर्स के समर्थन में, नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में उन्होंने अंग्रेजी सरकार से लड़ाई लड़ी थी। चंपारण सत्याग्रह वाली बात हम लिख सकते हैं। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आप सभ्यता और संस्कृति से क्या समझते हैं। तो सभ्यता एक बृहद स्वरूप है, संस्कृति उससे निकला हुआ छोटा। जैसे हम कह सकते हैं कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी सभ्यता एक कंडक्ट का मोड है, एक आचरण है जो मनुष्य को उसके कर्तव्य पथ की ओर इंगित करते, इशारा करते कि तुम्हारा कर्तव्य पथ ये है। जबकि जो कल्चर है इसके बारे में हम कह सकते हैं कि कल्चर इज़ द इफ्लोरसेंस ऑफ सिविलाइजेशन, यानी संस्कृति सभ्यता का स्फुटन है। जब तक सभ्यता नहीं हो सकती तब तक संस्कृति का जन्म नहीं हो सकता। सभ्यता से ही संस्कृति निकली हुई है। कल्चर इज द इफ्लोरसेंस ऑफ सिविलाइजेशन, संस्कृति सभ्यता का स्फुटन है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू आवर होली स्क्रिप्चर्स टेल अस अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, हमारी धार्मिक पुस्तकें सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों के बारे में हमें क्या बताती हैं। जो हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं जैसे कि रामायण, गीता, महाभारत, कुरान, बाइबिल, ये जो सारी पुस्तकें हैं वो हमारे मानवीय मूल्यों के बारे में क्या बताती हैं। वो यही बताती है कि सारा संसार ही परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, यहाँ पर सभी अपने हैं, कोई पराया नहीं है। सभी धर्मों की पुस्तकों में, धार्मिक पुस्तकों में यही लिखा हुआ है कि हमें जीव मात्र से प्रेम करना चाहिए। तो किसी भी पुस्तक में हिंसा, वैमनस्यता या द्वेष की बात नहीं है किसी भी धार्मिक पुस्तक में। तो हमारी धार्मिक पुस्तकें अच्छी अच्छी बातें हमें बताती हैं। अब शुरू होता है मूल पाठ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये तो अभी तक हमने गांधी जी के बारे में थोड़ा जाना और कुछ विषय प्रवेश के लिए ये प्रश्न थे। पहला पैराग्राफ, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। गांधी जी कहते हैं कि मेरा मानना है कि जिस सभ्यता को भारत ने विकसित किया है वह विश्व में परास्त होने वाली नहीं है। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों द्वारा बोए गए बीजों की बराबरी कुछ भी नहीं कर सकता। रोम वेंट
रोम वाले चले गए, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, ग्रीस की जो सभ्यता थी वो उसी नियति से बदल गई, द माइट ऑफ फारोस वाज ब्रोकन, फारोस की जो शक्ति थी वो तितर बितर हो गई, फारोस मीन्स जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान भी पश्चिमीकृत हो गया है, अर्थात पश्चिमी सभ्यता से वो भी अछूता नहीं है, ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, चाइना के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन भारत स्थिर है, समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, किसी तरह से अपने बुनियाद पर अपनी नींव पर मजबूती से स्थिर है, द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम, यूरोप के लोग ग्रीस अथवा रोम के लोगों के लेखों से सीखते हैं, यूरोप के लोग इसके बारे में सभ्यता के बारे में सीखते हैं, ग्रीस या फिर रोम के लोगों ने जो लेख लिखे उनको पढ़ पढ़ के सीखते हैं, विच एग्जिट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मल ग्लोरी, जो कि अर्थात ग्रीस और रोम वाले अब पूर्व रंग में नहीं हैं, ग्रीस की सभ्यता भी और रोमन सभ्यता भी मिट चुकी है, लेकिन फिर भी वो लोग उससे सीखने की कोशिश करते हैं, यूरोपियन, इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, ग्रीस और रोम वालों से सीखने के कोशिश में, द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, यूरोप वाले ये मानते हैं, सोचते हैं कि वे लोग ग्रीस और रोम के लोगों की गलतियों को छोड़ देंगे, उससे बचेंगे, सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, ऐसी है उनकी दयनीय हालत, पैराग्राफ नंबर 2, इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सब के बीच में इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी, इन सारे उठा पटक के बीच में, परिवर्तनों के बीच में भारत अविचल रहती है और यही इसकी महिमा है, यही इसका गौरव है, इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड एस्टॉलिड दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, भारत के खिलाफ यह अभियोग लगता है कि इसके लोग यानी भारतीय लोग इतने असभ्य, अनभिज्ञ और मूढ़ होते हैं, मूर्ख होते हैं कि उनको किसी भी प्रकार का परिवर्तन, किसी भी प्रकार के परिवर्तन की ओर आकर्षित नहीं किया सकता, परिवर्तन के लिए मनाया नहीं जा सकता, लुभाया नहीं जा सकता, इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, वास्तव में यह हमारे गुणों के विरुद्ध एक अभियोग है, वट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस वी डेयर नॉट चेंज, हम लोग उस चीज़ को बदलने की हिम्मत नहीं करते हैं जिस चीज़ को हमने जांचा है, परखा है और अनुभव के निहाय पर सही पाया है, जांच परख करके उसको सही पाया है, हम उसको बदलने का हिम्मत नहीं करते हैं, मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, कई लोग भारत पर अपनी सलाह थोपते हैं, एंड सी रिमेन्स स्टडी, लेकिन ये अविचल ही रहती है, उनकी सलाह थोपने से हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दिस इज हर ब्यूटी, यही तो है इसकी सुंदरता, इट इज द शीट एंकर ऑफ आवर होप, और यही हमारी उम्मीदों की रक्षक है, इसके बाद जो थर्ड पैराग्राफ है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, धन्यवाद।